तो एक फैक्टर होता है कि कितने परसेंट दागियों को टिकट दिया है किस पार्टी ने। हालांकि उनका ये कहना होता है कि तमाम जो दाग लगे हुए हैं वो सियासी पार्टियों की तरफ से लगाए जाते हैं और जिसकी वजह से उनके ऊपर जो दाग लगते हैं वो दाग अच्छे हैं उनके हिसाब से। खैर, रायबरेली में कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने नुक्कड़ आवामी रैली को खताब किया और अपोजिशन पर जोरदार हमला बोला है। प्रियंका ने कहा है कि हमारी सरकार में किसानों का 72,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ हुआ है और आज किसके कर्ज माफ हो रहे हैं? बड़े बड़े कारोबारियों के कर्ज माफ किए जा रहे हैं, जिनके पास लाखों करोड़ रुपए हैं उनके कर्ज माफ हो रहे हैं और जिनके पास कुछ भी नहीं है उनके कर्ज माफ नहीं हो रहे हैं। इसके अलावा प्रियंका गांधी ने और क्या कुछ कहा, जरा सुनते हैं। ये लोग भूल गए अपना धर्म, इनके लिए धर्म भी एक इस्तेमाल करने वाली चीज हो गई। इनके लिए धर्म भी वही है जो चुनावी सभाओं में बात करें धर्म के बारे में, आपके जज्बातों को उफाड़ें ताकि उसी पर वोट मिल जाए। आप सोचिए, क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे उस बुरे राशन पर निर्भर हो? कि आप चाहते हैं कि बच्चे शिक्षित बने, कि बच्चों के लिए अच्छी पाठशालाएं बने, कि बच्चे आगे बढ़कर कमाए, आपके लिए कमाई लाए? तभी तो गर्व होगा आपको उन पर, तभी तो उन पर अपने आप पर गर्व होगा। अगर ऐसे ही आवारा बच्चे पढ़े रहे तो क्या होगा?